द हुड कहता है मार दो उसे निडल। तब दूसरी तरफ डैंसन मैकबरे से लड़ते हुए जेनिफर केल कहती है और महेश शर्मा रही थी बारबेरियन ड्रेस में टोलिए फिरने में। उस पर डैंसन मैकबरे जवाब देती है डैंसन मैकबरे की बॉडी स्टाइलस है काली की जो कि ब्लैक वन है और जो लिखती है यूनिवर्सल एगनी और इटर्नल एक्सटेसी। और वो आगे कहती है ये सच है कि मेरा डांस नेकड है लेकिन वर्ल्ड ये एंजॉय करता है और ये जरूरी है डिवाइन एनालाइटिंग के लिए। और जेनिफर केल को मारते हुए डैंसन मैकबरे कहती है काली कॉस्मिक पावर है और वो डिवोर कर सकती है टाइम को। मैं डांस हूँ डेथ का जो बिहाइंड है ऑल लाइफ के। उसकी डार्कनेस सारी चीजें डिसॉल्व कर सकती है तुम्हारी चिप पार्लर ट्रिक्स भी। तब दूसरी तरफ मॉर्बियस को गड्ढे में गिराते हुए उसके ऊपर मिट्टी डालकर नाइट शिफ्ट का एक मेंबर कहता है स्वागत है लैंड ऑफ लिविड में डिस्काउंट ड्रैकुला और ये तुम्हें मदद करेगा एक डर्ट नैप लेने में। तब अपना खून देखते हुए डॉक्टर मॉर्बियस कहता है तुमने मेरा खून छलकाया है ये तुमने अच्छा नहीं किया। तब वो कहता है अच्छा मैंने किसी तहजीब का उल्लंघन तो नहीं कर दिया। उसके जवाब में डॉक्टर मॉर्बियस उस गड्ढे से बाहर निकलते हुए कहता है क्योंकि अब मैं और निकालने वाला हूँ और उसी का हथियार उसी के सिर में गाड़ देता है जिस पर वो कहता है रुको तुम मुझे मार दोगे। दूसरी तरफ हेलस्टॉर्म गुस्से में अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करके उस हथियार को चला देता है जो उसे मार रहा था। तब हेलस्टॉर्म एक तकनीक अपनाकर नाइट शिफ्ट के दूसरे मेंबर को मारने लगता है जिस पर जेनिफर केल निडल को मारते हुए कहती है डांस पार्टनर स्विच करना ये अच्छा आइडिया है हॉट स्टफ। और ये सब देखकर द हुड कहता है मैं कोशिश कर रहा था तुम्हें जेड लिस्टर शॉट देने की लेकिन तुम लोगों ने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया ये तो बस मामूली किस्म के हीरोज है हेलोविन मास्क के साथ। तब डॉक्टर मॉर्बियस कहता है नहीं तुम गलत हो। तब डॉक्टर मॉर्बियस की तरफ मुड़कर वो चौंक जाता है। तब हम देखते हैं डॉक्टर मॉर्बियस को अपने वैम्पायर रूप में जो टेंशन मैकबरे का खून पी रहा था और कह रहा था हम हीरोज नहीं हम मॉन्स्टर्स हैं। दूसरी तरफ सिमन और जोम्बी डेडपूल के साथ दो लोग खड़े थे जिसमें से एक कह रहा था मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ ये बहुत बुरा आइडिया है और मैंने पूरी लाइफ में ऐसा आइडिया नहीं सुना। तब दूसरा कहता है किसने तुमसे नहीं पूछा तुम ये फाइटिंग नहीं सुन रहे अगर उन सुपर पिग्स ने टेलन को पकड़ लिया जैसा कि वो हमेशा करते हैं तो हम इसे सेल कर देंगे। और जोम्बी डेडपूल उसे काट लेता है। तब दूसरा आदमी कहता है देखा मैंने कहा था ना इडियट अब मुझे तुम्हें जल्द से जल्द क्लिनिक ले जाने दो इससे पहले कि टेलन हमें ढूंढ ले। लेकिन तब तक वो आदमी जोम्बी बन चुका था और वो दूसरे आदमी पर अटैक कर देता है। तभी सिमन जोम्बी डेडपूल को लेकर वहां से जाने लगता है। तब जोम्बी डेडपूल कहता है देखो तो सही ये हमारा चांस है चलो। सिमन आगे बढ़ रहा था और जोम्बी होने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। तब उसे देखकर डेडपूल कहता है ये हुई ना बात सिमन लचक लचक के चल रहे हो जैसे कि हवा चलती है। तब दूसरी तरफ जोम्बीज को देखकर जेनिफर केल कहती है मॉर्बियस छोड़ो उसे और वहां पर देखो अंडेड्स आ रहे हैं तुम अपनी दवा उन पर इस्तेमाल करो। तब मॉर्बियस कहता है हाँ क्यों नहीं और शुक्रिया जेनिफर अब मेरे पीछे आ जाओ और वो अपनी दवाई उन पर मारने लगता है। सारे जोम्बीज मॉर्बियस की दवाई से मर जाते हैं और उनका इन्फेक्शन उनके शरीर से बाहर आकर एक फॉर्म लेने लगता है। तभी टेंशन मैकबरे कहती है तुमने हिम्मत कैसे की मेरी बॉडी को मेला करने की जो टेंपल है काली द डिवोरर का। और नाइट शिफ्ट से कहती है नाइट शिफ्ट इन निंदकों को दिखाओ असली मतलब क्या होता है हॉरर का। और उनके पीछे वो इन्फेक्शन का मॉन्स्टर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। तब वो देखकर मॉर्बियस कहता है नहीं पीछे देखो लेकिन तब तक वो वायरस नाइट शिफ्ट को मार देता है जिस पर हुड पूछता है कि ये आखिर हो क्या रहा है। तब मॉर्बियस कहता है ऐसा नहीं हो सकता मेरी दवाई की वजह से जोम्बी वायरस म्यूटेट हो चुका है और ये इवॉल्व हो चुका है एक सुपरबग स्ट्रेन में इस वजह से इसे अब अंडेड्स की ज़रूरत नहीं रही क्योंकि ये अब एयरबॉर्न हो चुका है ये जोम्बी वायरस अब एयरबॉर्न हो चुका है पीछे हटो और कवर ढूंढो। तब एक जगह छुपकर जेनिफर केल ये सब देखते हुए कह रही थी मैंने प्रे किया इसलिए क्योंकि ये सब ना हो लेकिन ये हो रहा है तुमने प्रॉमिस किया था लेकिन फिर भी ये बार बार हो रहा है। तब पीछे से आवाज आती है नहीं तुम्हारी प्रेयर्स सुन ली गई थी जेनिफर केल। जेनिफर केल देखती है वो आवाज डोरमामू की थी जो कह रहा था मेरा एक नाम है डोरमामू और मैंने तुम्हें जो पावर्स ग्रांट की थी वो तुम्हारे वाइल्डेस्ट ड्रीम से परे थी और इस पावर्स के साथ तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो वो है मेरा हाथ पकड़ने की।